शिल्पांजलि मोइत्रा। बच्चे के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक माँ बाप की चिंता बड़ी ही रहती है। कब खाएगा, कब तक स्कूल पहुँचेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। जब करियर की बात आती है तो भी माँ बाप टेंशन में रहते हैं। आजकल कर्नाटक में भी यही चल रहा है। एक पूर्व CM और एक वर्तमान CM दोनों अपने बेटे की जीत को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो कहानी या रिपोर्ट बताएंगे इसमें कुमार स्वामी के बेटे निखिल गौड़ा की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च करते हुए देवेगौड़ा की तीसरी पीढ़ी ने राजनीति में पदार्पण किया और JDS ने मांड्या लोकसभा सीट से इस बार कुमार स्वामी के बेटे निखिल गौड़ा को लोकसभा के दंगल में उतारा, जो JDS कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हालांकि वोटिंग के बाद आ रहे रुझानों और कयासबाजी ने कुमार स्वामी की बेचैनी बढ़ा दी है। कुमार स्वामी के करीबियों ने भी उन्हें बताया है कि मांड्या सीट पर निखिल की जीत हो सकती है और नहीं भी, और अगर निखिल की जीत हुई भी तो वो बेहद कम मार्जिन से होगी। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि मांड्या सीट पर इस बार रिकॉर्ड 80.2% वोटिंग हुई है। निखिल के सामने BJP समर्थित उम्मीदवार सुमन लता अम्बरीश हैं। कुमार स्वामी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि हम भारी बहुमत से जीत का दावा नहीं कर सकते हैं, हम करीब 60,000 वोटों के मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं। जीत हार को लेकर कुमार स्वामी इतना बेचैन हुए कि बूथ लेवल मतदान की 3 रिपोर्ट मंगा डाली है और अब भी लगातार आंकड़े जुटा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने अब बूथ प्रभारियों और स्थानीय विधायकों से वोटिंग पैटर्न को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। हालांकि कुमार स्वामी बेटे निखिल की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन डर डर है और डर का इलाज किसी के पास नहीं होता। हाँ, अगर डर ज्यादा बढ़ जाए तो इस डर को निकालने के लिए लोग भगवान की शरण में जाते हैं और आजकल गौड़ा परिवार यही कर रहा है।